नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी वैकेंसी के अलावा नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स कैसे दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। यहाँ पे पदों की संख्या 30 है। पद का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 29 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को बीकॉम पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। मासिक आय 33,000 से 35,540 रहेगा। आवेदन के लिए आप www.apsbpcl.aponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। यहाँ पदों की संख्या 13 है। पद का नाम है सब डिविजनल ऑफिसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 25 सितंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 32 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। मासिक आय 40,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन के लिए आप www.dgde.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यहाँ भी नहीं जाना है, आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है, तो आप एयर इंडिया में ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 30 है। पद का नाम है ट्रेनी कंट्रोलर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए और आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पे स्केल 20,650 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.airindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 5 है। पद का नाम है प्रोफेसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 27 सितंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 38 होनी चाहिए और आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित विद्वान होने के साथ लगातार अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड और संबंधित अनुशासन में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल 40,650 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.rbu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप एम्स छत्तीसगढ़ ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 50 है। पद का नाम है जूनियर रेजिडेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 23 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों के पास MBBS या MCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होने चाहिए। आवेदक की आयु 26 से 45 होनी चाहिए। पे स्केल 56,100 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.aimsraipur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एम्स में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप ग्रामीण विकास विभाग त्रिपुरा में आवेदन दीजिए। यहाँ पदों की संख्या 30 है। पद का नाम है ग्राम रोजगार सहायक। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 28 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 37,500 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.rural.tripura.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 105 है। पद का नाम है इंस्पेक्टर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 28 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 32 होनी चाहिए और पे स्केल 40,000 से 52,400 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.dillipolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 300 है। पद का नाम है टीचर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 29 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को बीएड पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.cuh.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पटना हाई कोर्ट ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 15 है। पद का नाम है असिस्टेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 27 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 35,000 रुपए।
योग्य उम्मीदवार www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो आप नेवल डेकयार्ड मुंबई ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 13 है, पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 29 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 41,000 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.bharatiseva.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण लिखा है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरियों के वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।